प्रदेश में गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला एक बार फिर सामने आया है। जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया था, जिसमें इल्ली घुन लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि ऐसा चावल तो जानवरों के उपयोग में ही लाया जा सकता है। चावल की रैक जबलपुर से 17 जुलाई को रतलाम पहुंची। जिला आपूर्ति अधिकारी सहित एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन प्रबंधक ने रैक को चेक किया तो चावल की गुणवत्ता सामने आ गई। इसके बाद रतलाम में एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा 23 तारीख को जबलपुर के जिला प्रबंधक को पत्र लिखकर कहा कि इस चावल को बांटने से किसी भी हितग्राही को परेशानी हुई तो जवाबदारी मिलर की होगी। इसके बाद एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी अभिजीत अग्रवाल ने तुरंत प्रकरण दिखाने की बात कही। इधर रतलाम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक केसी उपाध्याय ने कहा कि पूरी रैक की जांच की है, इसमें चूरी गंदगी काफी अधिक मात्रा में मिली है। वहीं उज्जैन क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र सिंह का कहना है, प्रथम दृष्टया चावल ठीक है, 30% चूरी अलाउड है। सैंपलिंग के लिए लिए गए हैं चावल, उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लगभग लगभग 2600 मैट्रिक टन 26,000 क्विंटल जो चावल प्राप्त हुआ और जबलपुर से ये रेक प्राप्त हुआ था, इसकी प्री इंटीमेशन के तहत संबंधित जिलों को ये सूचना जिला स्तर से रिसीविंग पॉइंट से जो है भेजी जाती है, जिले से भेजी जाती है और उन्हें इत्तला किया जाता है कि आपके स्टॉक भेजें। जबलपुर से चावल का रेक आया था 2600 मीट्रिक टन का, उसमें टुकड़ी पाई गई थी चूरी जिसको कहना चाहिए। इसके संबंध में मैंने पत्र लिखा था और 17 तारीख को रेक आया था, 23 तारीख को मैंने पत्र लिखा था। अब उसकी हमारे निगम मुख्यालय जांच करेगा कि क्या वस्तु स्थिति है। अभी फ़िलहाल हमने चावल के ऊपर वितरण पे रोक लगा दी है निर्देशानुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार, और जैसे ही उसकी एनालिसिस रिपोर्ट आती है या इश्यूएबल है जनता में अपन बांट सकते हैं तो चावल का वितरण कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने मना किया है कि चावल वितरण नहीं किया जाए तो नहीं किया जाएगा। नहीं देखिए, केवल ये प्राइमरीली ऐसा था, अभी हमने प्राइमरी देखा है चावल तो ठीक है, सैंपल कलेक्ट किए हैं, उसकी जाँच के लिए हम भेज रहे हैं और अंतिम रिजल्ट तो जब आएगा तो फिर अवगत कराएंगे। अभी तो देखने में तो चावल अच्छा है, 20% अलाउड है, उसमें जो निर्धारित मापदंड है उस लेवल तक अलाउड है और प्रथम दृष्टया देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसके अनुरूप ही होगा।